के डेयरी फार्म में बकरा आ गया किसी का, ये की कीमत 1,60,000 रुपए की कीमत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद सिद्दीकी और लासानी फंडे में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं हूं चांद भाई की डेयरी में, जो महलका में डेयरी चलाते हैं चांद भाई, और इनके यहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें मिलेगी। दोस्तों इनके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी नस्ल की भैंस है, दो दांत है और पहलवान झुटिया है, जिसकी कीमत 1,65,000 रुपए है, और वो भी दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको। देखिए ये है चांद भाई की गाय भैंसे, और अंदर भी है बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसे, और मिलते हैं चांद भाई से। और कैसे हैं चांद भाई, और कैसे चल रहा है आपका काम चांद भाई? आप बताइए ये गाय कौन सी है? ये एचएफ नस्ल। एचएफ, अच्छा। और क्या है इसकी क्वालिटी, क्या क्या है इसके? ये है क्वालिटी, ये है ये एचएफ होती है, ये 15-20 प्लस में नॉर्मल दूध देती है। देखिए दोस्तों ये एचएफ नस्ल की गायें हैं इनके पास, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की है और 15-20 किलो दूध बनता है इसके इसके नीचे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं ये। और ये वाली नस्ल कौन सी है चांद भाई? ये भी एचएफ है, ये दोबारा भी आएगी, अभी इसमें टाइम है 20 दिन का। अच्छा, देखिए दोस्तों इनके पास ये भी एक गाय है दूसरी नस्ल की, ये भी एचएफ नस्ल है दोस्तों, और 20-25 दिन में भी आने वाले। अच्छा 25 लीटर दूध देती है ये? 25 किलो पहलवान ने दिया है, हाँ। आने में इसका 20 दिन का टाइम है, दोबारा डिलीवरी। अच्छा देखिए दोस्तों इधर ही इनके पास गाय, अच्छा घर की कटिया ये वाली। अच्छा और ये वाली कौन सी नस्ल है चांद भाई? ये आती है मुर्रा। अच्छा मुर्रा, हाँ हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों चांद भाई महलका में सेल परचेज करते हैं गाय भैंसों की, और अच्छी अच्छी भैंसे लाते हैं मंडी से। चांद भाई हमारे दोस्तों को बताएं आप कहाँ कहाँ से लाते हैं? ये हमारा माल आता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अच्छा दूर दूर से की मंडियों से खरीदते हैं? मंडी से भी लाते हैं, फिर बिहार से भी लाते हैं, पंजाब जाके हरियाणा में। और बेचते किन लोगों को आप? यहाँ से किसान भी ले जाते हैं, मंडी लगती है। हाँ हाँ, जैसे कि जिला मुजफ्फरनगर में लगती है दबेड़ी, हाँ, और मेरठ जिले में लगती है पारसी। अच्छा यहाँ पे जाती है तो वहाँ पर भी बेचते हैं? यहाँ बुधवार में मंडी लगती है। ठीक है दोस्तों देखिए इनकी गाय भैंसे ये हैं, और अंदर की ओर चलते हैं, इन बहुत अच्छी अच्छी नस्ल है इनके अंदर की ओर, अंदर भी दिखाए चांद भाई कौन कौन सी नस्ल है। आपको मैं एक अच्छी नॉर्मल दिखाता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, चांद भाई महलके के बड़े कारोबारी है और इनके गाय भैंसे बहुत दूर दूर तक जाती है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल की मिलेगी इनके यहाँ पर, ये शायद अभी भी आई होगी कुछ दिन पहले ही इनकी भैंसे। ये देखिए दोस्तों ये है इनके भैंसे, और इनकी भैंसे अच्छे अच्छे किसान ले जाते हैं, और अच्छी किस्म की भैंसे मिलेंगी दोस्तों इनके यहाँ पर। देखे ये इस भैंस के बारे में बताए चांद भाई कौन सी नस्ल की है? ये मुर्रा में है, अभी इसके 5-4 दिन ब्याने के हैं। अच्छा जी, ये तीसरी बार भी आएगी। हाँ, 10-12 लीटर दूध दे। 10-12 लीटर। देखे दोस्तों अभी इसमें ब्याने में टाइम, ये ब्याने वाली है कुछ दिन है इसके, और ये वाली जो साइड में है ये वाली, अच्छा देखिए दोस्तों ये कली भी आई है, इसका बच्चा है, और इसका दूध कितना बन रहा है? अभी इसके अंदर खीस है, खीस कोई 10 लीटर खीस है। अच्छा और दूध कितना बन जाएगा इसका? मैक्सिमम देगी 15 लीटर। 15 किलो, देखिए दोस्तों ये 15 किलो की भैंस है, ये 15 किलो दूध देगी ये, और ये भी बहुत अच्छी है। आई कहाँ से? ये सब आई है हरियाणा। अच्छा ये हरियाणा की भैंस है दोस्तों इनके यहाँ पर, और इस साइड भी है ये वाली, ये भी वहीं से आई है, ये भी हरियाणा की भैंस है दोस्तों। देखे और इनको आप क्या क्या खिलाते हैं? जैसे कि चने की चूरी, हाँ, चोकर, छिलका, खिलौने की खल। अच्छा ये सब सब। ठीक है, और उस साइड भी तो भैंसे आपके? उस साइड मेरे पास जो सबसे अच्छी भैंस है। हाँ देखिए दोस्तों ये है सबसे महंगी भैंस है, इसकी कीमत 1,60,000 रुपए की कीमत है इसकी दोस्तों। देखे बहुत ही अच्छी कीमत, 1,60,000 रुपए की कीमत है इसकी दोस्तों। देखे बहुत ही अच्छी नस्ल की भैंस है इसकी, ये पहलवान झुटिया है। हाँ दांतों में 4 है, अभी इसमें टाइम 8 दिन का है। अच्छा 8 दिन बाद भी आएगी ये? ये मुर्रा में। अच्छा देखिए दोस्तों ये है मुर्रा नस्ल की भैंस, और इसकी जड़ भी अच्छी बन रही है। देखिए दोस्तों HLB की है। अच्छा जी, वाओ बहुत ही बड़ी साइज की झुटिया है। देखिए देखिए, और इसके थन भी देखिए दोस्तों, 4 दांत में है। अच्छा 4 दांत भैंस है दोस्तों ये, देखिए।
दोस्तों जब इनके यहाँ पर भैंस आती है तो एक दुल्हन की तरह रखते हैं ये, और इसकी खुलाई पिलाई बहुत ही अच्छी डाइट देते हैं दोस्तों ये। और डाइट तो बताएं आप इनको क्या क्या देते हैं, इनकी डाइट वगैरह जो खुलाते हैं आप सर? भैंस की डिलीवरी होती है उसको घी देते हैं, हाँ, कैल्शियम देते हैं, हाँ, और गुड़ देते हैं। अच्छे जी, देखिए दोस्तों, और ये पीछे की साइड में ये भैंस है, ये वाली ये भी दोबारा भी आएगी, तीन चार दिन का टाइम है। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ये भी अच्छी नस्ल की किस्म की भैंस है इनके पास। अच्छा देखिए दोस्तों ये है मुर्रा नस्ल की भैंस है इनके पास, ये बहुत अच्छी किस्म की है ये, और पहलवान झोटिया है ये। देखिए दोस्तों है ना कितनी अच्छी नस्ल की भैंस है ये। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी नस्ल की भैंस है। दोस्तों अगर आपको कोई भैंस या गाय लेनी है चांद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में चांद भाई का कांटेक्ट नंबर दिया है। देखिए दोस्तों, और मुझे नया समझ रही है और नया समझ के इसने मेरे टक्कर मार रही है। देखिए दोस्तों ये भी हरियाणा से आई हुई भैंस है इनके पास। दोस्तों जब इनके यहाँ पर ये हरियाणा पंजाब से भैंसे लाते हैं तो ये अच्छे क्वालिटी के रत्ता भी खुलाते हैं दोस्तों। अब ये रत्ता भिगो रहे हैं भैंसों के लिए, इस तरह से रत्ता भिगोया जाता है कुछ देर के लिए। दोस्तों ये करीब आध घंटे के लिए भिगोया जाता है रत्ता, और फिर इनके डंगरों की सानी करेंगे कुछ देर बाद। दोस्तों देखे डेयरी फार्म में बकरा आ गया किसी का, ये देखे दोस्तों ये है तोता परी बकरा, ये भाई मुखिया का बकरा है, ये डेयरी में आ गया है।